हे गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं KTM VIP रोड और मेरे को KTM VIP रोड से इनविटेशन आया था कि आज उनका 390 एडवेंचर लॉन्च हो रहा है, तो हाँ वहाँ भी जाएंगे और मैं अपना दोस्त सरीम को बोल दिया हूँ। तो सरीम अभी क्लास में है, तो अभी सबसे पहले मेरे को GoPro लेना है, तो GoPro पाजी से मैं अभी लेके आऊँगा, सरीम को पिक करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ KTM VIP रोड और वहाँ पे KTM 390 का टूल लेंगे और टेस्ट राइड लेंगे पॉसिबली। तो देखते हैं आगे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखो और मैं पूरा एकदम रेडी हूँ, ओके फिट है, ओके तैयार हूँ। तो अभी मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, सारा चीज गेयर कर लिया हूँ, सब लेके अभी जाना, मेरे को GoPro लेके आना है, फिर वहाँ से सरीम को पिक करें, देन आई सी यू इन द अदर साइड। तो गाइस अभी हम लोग पाजी के फ्लैट के नीचे हैं और ये रहा, हम सो रहे थे साले। थैंक यू। अबे कैप चार्ज नहीं है, कितना परसेंट है पता नहीं, कभी ना मेरे को कैप्चर कर रहा है सही में। हाँ बोल रहे हैं व्लॉग के लिए, अब व्लॉग में हो, GoPro ले लिया है गाइस, अभी बोलो पढ़ाई करने के लिए। तो अभी लेट हो रहे हैं, हम फट से हमको सारा सामान लेके जाना है, फिर अभी सरीम के पास जाना है, कॉलेज जाना है। तो हड़बड़ी में हम क्या किया ना, मेरा जो कैमरा उसका ट्राइपॉड हम भूल गए, भूल गया पता है। अभी हम न्यू टाउन से यहाँ अप्रॉक्स 5 से 6 मिनट में आए हैं। क्या कर रहा है तू? तो अब क्या करें, जाना पड़ेगा, लेट हो गया, इसमें आप डाल दो ना। तो गाइस हाँ वही सीन है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। अब गाइस अभी हम लोग फाइनली अभी पहुँचे हैं KTM का VIP रोड शोरूम, तो अपना गाड़ी पार्क कर दिया, अभी फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ का सीन क्या है। तो यार सो फार सो गुड और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तू कुछ बता क्या सीन है। ये KTM एडवेंचर बहुत लोग मॉडिफाई कर रहे थे अपना, इसको बना रहे थे, तो ये लोग इस बार खुद से मॉडिफाई करके दे रहे हैं। सबसे पावरफुल एडवेंचर बाइक अभी तक इसका है, इससे पहले हिमालयन था लेकिन उसमें पावर नहीं था इस रेंज में हम लोग का इसमें। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, ब्लॉगर्स लोग पूरा भरा हुआ है, आज सारा ब्लॉगर्स लोग आया हुआ है। तो यार मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आएगा, तो रियली पॉप्ड अप। 9,000 कत चैनल मेरा स्टार्ट करने का भी 1 साल हो गया, बट मैं रेगुलर अपलोड भी अभी रिसेंटली कर रहा हूँ। 1 साल में अगर मतलब ऐसा ये है ग्रोथ है तो बहुत ये 1 वर्ष में ग्रोथ तो बहुत बढ़िया। अब वो गाइस 181K सब्सक्राइबर्स, अरे ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी मैं बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग से मिल रहा हूँ, मेरा खुश नसीबी है कि इन लोग के साथ मेरे को मिलने का चांस मिला है। और नहीं गाइस मैंने भाई का वीडियो देखा है, बहुत सही काम करता है। हाँ। सही में यार मैं तो तुम्हारा फैन बन गया, तो सही ना, मेरा जो बंगाली चैनल है ये मिलियन में नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ये छोटा चैनल है एक्चुअली, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है गाइस। देखो यूट्यूबर्स कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन वीडियो। एक वीडियो अगर तुम्हारा वायरल हो जाए तो बस तुम छा जाओ, जो भी हो हम लोग कंटेंट क्रिएटर है बस, ये बहुत बड़ा बात, कोई छोटा बड़ा नहीं। और अभी मैं एक कॉलेज कर रहा हूँ, कॉलेज के साथ भी मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। हाँ। तो एवरीडे एक व्लॉग भी कर रहा हूँ, मेरे को कॉलेज भी करना पड़ रहा है साथ में, तो बहुत टफ हो रहा है, बट पैशन है। हाँ, वही कर बिल्कुल, रहा हूँ आदमी को, वो थोड़ा हार्ड वर्क उन लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, है, बट धीरे धीरे जब नहीं 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 ठीक है ठीक है, कोई बात अभी मन नहीं। हम लोग तो स्टूडेंट लोग हैं, उतना आइडिया भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। नर्वस का कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी कर लो यार, बोलेगा। मैं एक छोटा सा टिप्पणी देता हूँ, ठीक है, मैं 2015 से कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। जब भी कोई रास्ते में तुमको देखे ऑकवर्ड सा कोई ऐसा कुछ दे ना, टॉन्ट मारे कुछ भी करे ना, उसको डायरेक्टली ब्लॉग में ले लो, ऐसे करके देखना वो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ ईजी जॉब, ओके, वी आर डूइंग अ वेरी टफ जॉब। दूसरे को लगता है कि बहुत ईजी है, बट आप प्रैक्टिकली जब करोगे तब आपको पता चलता है। वही बात है, तो उनको भी ले लो तुम, उसको कोई इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको भी ब्लॉग में ले लो, देखना ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा। तुम्हारा देख लीजिए, हमारा कैमरा धरे छिलो হচ্ছে রাজদীপ, এই রাজদীপ, কিন্তু আমার সাথে আরো দেখা হয়ে গেল হচ্ছে আরেকজন ভাইয়ের। হাই এভরিওয়ান, তো মেরা ভি এক ইউটিউব চ্যানেল হে আর আমি আবি বাদ বা মি সফটলি আই হ্যাভ টু চুজ শুড আই লিভ অর শুড আই স্টে উইথ ইউ আই এম অ্যাডিক্টেড উই আর টু ক্লোজ ওয়ান মোর ডে অ্যান্ড অল ওভার টু নতুন গাড়ি আমরা লঞ্চ করেছি KTM অ্যাডভেঞ্চার 390, আর ট্রু অ্যাডভেঞ্চার ফর ইন্ডিয়ান রোডস, ফর দ্য ইন্ডিয়ান কনজিউমার্স, ফর দ্য ইন্ডিয়ান কাস্টমার্স। ট্রু অ্যাডভেঞ্চার, আমরা বারবার আমরা এই ওয়ার্ডটা বলছি ট্রু অ্যাডভেঞ্চার, আই উইল টেল ইউ ওয়াই আই এম কলিং দিস বাইক আ ট্রু অ্যাডভেঞ্চার বাইক। Experience, I've had an awesome time.
We've had 150 KTM adventure riders here. KTM means ready to race and the performance. और वो जो ready to race gene है वो हमने इस bike में कहीं पे निकाली नहीं है. We have inherited the same thing and we have actually given the same thing to this bike. तो आप लोगों को जैसे पता है KTM में trellis frame, steel trellis frame is always there. WP suspensions there. Aluminium swing arm it's there. Engine Duke 390 already proven engine in the market. It is there with the same power. Quick shifter मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ because बहुत सारे लोग quick shifter के बारे में पूछ रहे हैं. What is quick shifter? Quick shifter is generally basically changing gear without clutch. The things that are there in the bike, these are not there in the high-end bikes also, which are costing, you know, 7-8 lakhs or the 790cc's. There are customers who might ask, ki, sir, isko kya hum normal day-to-day Calcutta streets pe chala sakte, life pe chala sakte? Yes, answer is yes. Sir, ye seat height ka kya scene hai ek bar? Seat height, it is pretty much adjustable, but yes, the name itself says it's adventure. Toh jaise naam ja raha hai, uske hisaab se iske attributes bhi honge. See, in generally adventure bikes, आपको ऑफ रोड करना पड़ता है. ऑफ रोड में यू नो पत्थर निकला हुआ है, कुछ निकला हुआ है, सो यू हैव टू कीप अ स्लाइटली हायर यू नो ग्राउंड क्लियरेंस. एक्चुअली क्या है सर कि हम लोग इंडियंस लोग, हम लोग का हाइट थोड़ा 5'6" 5'5" नहीं, सो वी हैव टेस्टेड एंड वी हैव यू नो व्हाटएवर फीडबैक दैट वी आर गेटिंग, एनीबॉडी हु इज ऑफ एवरेज हाइट ऑफ 5'7" 5'8" दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस. मे बी समबडी हु इज 5'2" 5'3" ही मे फेस सम इश्यूज विद दैट. तो गाइस अभी फाइनली बाइक अनबॉक्स हो रहा है. ये रहा. इनका आज जैसे गाड़ी लॉन्च हुआ और ये आज डिलीवरी भी ले रहा है, तो इनके जगह मैं भी हो सकता था क्योंकि मैं आया था यहाँ पे बुक किया था, बट मेरा बाद में माइंड चेंज हो गया, तो वही जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अपने एम्प्लॉयज को पहले खिला रहे हैं. सही. गाइस अभी हम लोग का फोटो शूट हो रहा है, तो ये रहा सारा, ये सारा कंटेंट क्रिएटर्स है और उधर से आगे से अपना फोटो शूट हो रहा है. या सो फास्ट सो गुड. थैंक यू. तो गाइस अभी हम लोग को ये सारा स्नैक्स मिला है खाने के लिए, तो अभी हम लोग इसको खा लेते हैं. फिर वहाँ पे सब जितना भी व्लॉगर्स है ना, सब वो लोग अभी बाइक ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग कंप्लीट करेंगे, जब सब कोई नहीं रहेगा शांति में आराम से हम लोग बाइक को देखेंगे और आप लोग को बताएंगे कि कैसा बाइक है, ताकि भीड़ भाड़ में होता है कि अच्छा से हम लोग घूम नहीं पाते. तो पहले अभी हम लोग खा के सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ जो है देखना है हम लोग को बोलना है, तो यही सीन है. और अभी इसको हम लोग खाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सीन में. So dark, you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind and shit. I tied a beat up, then I fuck it, yeah, I'm on some violent shit. Woo! Don't wanna tell you again. Woo! तो गाइस अभी सलीम आपको बताने वाला है गाड़ी का फीचर्स, गाड़ी का जो सारा स्पेसिफिकेशन है ये आपको देगा. जैसे नॉर्मली सब में ABS होता है, इसमें कॉर्नरिंग ABS है जो कि बहुत बेटर होता है कॉर्नर्स पे, क्योंकि अगर कॉर्नरिंग ABS नहीं होगा तो कॉर्नर पे आप सही से कॉर्नरिंग नहीं कर पाएंगे. वो ABS होगा बट वो आपको स्ट्रेट में ABS होगा, कॉर्नर आप सही से नहीं कर पाएंगे, इसमें कॉर्नरिंग ABS है. और इसमें एक और चीज़ है, ट्रैक्शन कंट्रोल. वो क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल से आपका जो स्पिन होता है, व्हील स्पिन, वो बहुत हद तक ये रोक देता है ट्रैक्शन. इससे आप कभी भी स्लिप नहीं होंगे, इसका ग्रिप बना रहेगा. सो आई एम 5'7" and a half एंड यू कैन सी वेयर माय लेग्स गो. ठीक है. इट्स क्वाइट फाइन. टिप्टो कर रहा है. इट्स क्वाइट फाइन. ठीक है. टॉकिंग अबाउट इट्स वेट, इट्स नॉट वेरी हैवी. जितना होना चाहिए था उतना वेट नहीं है, उससे लाइट है, तो वो बहुत बेटर है. अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं. सही है.
और कुछ अब इसके बाहर का बात करते हैं। इसके टायर्स पे अगर ध्यान दें तो ये मैचलर के टायर्स हैं कंपेयर टू मिशलिन, और फिर यदि इसका ग्रिप बहुत बेटर होता है। इसमें आगे 19 इंच का टायर है, पीछे 17। तो गाइज अभी फाइनली हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब बहुत मज़ा आया। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि किसी लॉन्च इवेंट में आए हैं, और यहाँ पे सारा व्लॉगर्स लोग भरा हुआ है, यूट्यूबर्स लोग भरा हुआ है। हे गाइस, आज का वीडियो में बहुत मज़ा आया और एक नया एक्सपीरियंस था। सो गाइस, फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन नया वीडियो से, टिल देन पीस।